दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर रियलिटी। दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुए टीवी शो दिल से दिल तक के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला ने काफी समय बाद टीवी पर कमबैक किया है। इसे टीवी के सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग शो में से एक बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल शो अपने लीड एक्टर को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल सेट पर अपने नखरों की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को इससे हटाया जा सकता है। अगर खबरों पर विश्वास किया जाए तो कलर्स को दिल से दिल तक में बालिका वधू स्टार सिद्धार्थ शुक्ला का रिप्लेसमेंट मिल चुका है, और ये दोस्तों कोई और नहीं ससुराल सिमर का फेम एक्टर मनीष राय सिंघानी है। उन्हें इसी चैनल पर अपने किरदार सिद्धांत से फेम मिली थी। अविका गौर के साथ मनीष की पेयरिंग को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। सिद्धार्थ को मनीष की रिप्लेस करने पर एक सूत्र ने बताया, बहुत से चेहरों को ढूंढने के बाद निर्माताओं ने मनीष को फाइनल कर दिया है, जो न केवल एक अच्छे एक्टर हैं, बल्कि ससुराल सिमर का के जरिए उनका कलर्स चैनल के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी है। एक महीने पुराने इस शो में रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे एक्टर हैं। इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी शो को ज्यादा दर्शक नहीं मिल पा रहे हैं। देखते हैं कि क्या मनीष के आने से दर्शकों का ध्यान खींचने में ये शो सफल हो पाएगा। दोस्तों बता दें कि एक खबर के अनुसार सिद्धार्थ ने कलर्स के शो दिल से दिल तक के सेट पर एक मेजर सीन क्रिएट किया था। मामला वैनिटी वैन को लेकर था। सिद्धार्थ ने इस वजह से शूटिंग करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि रश्मि देसाई से छोटी वैनिटी वैन उन्हें दी गई है। इसी वजह से शूटिंग में काफी देर हो गई और इस पर काफी बहस भी हुई। इसकी वजह से टीम और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में उनके नखरों को लेकर भी काफी बहस हुई। शो के प्रोड्यूसर शशि और सुमित उनके इस रवैये से इतने ज्यादा थक चुके हैं कि वो इस मामले को लेकर चैनल के पास चले गए हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि सिद्धार्थ को शो से बाहर किया जा चुका है। वो चाहते हैं कि उन्हें शो से रिप्लेस कर दिया जाए। खबर है कि सिद्धार्थ के रोल के लिए अनस राशिद, राकेश बापट और जय भानुशाली को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन मनीष राय सिंघानी को फाइनल किया जा चुका है। दिल से दिल तक शो सलमान खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से प्रेरित है। ये फिल्म सरोगेसी के मामले को लेकर बनाई गई थी। अब दोस्तों सिद्धार्थ के अलावा इसमें रश्मि देसाई और जैस्मिन भसीन लीड रोल निभा रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि कितने दिन के बाद में सिद्धार्थ को रिप्लेस किया जाता है और मनीष राय सिंघानी के आने के बाद में इस शो की टीआरपी बढ़ती है या नहीं। तो दोस्तों फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब क्रेजी फॉर रियलिटी।